तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि हाँ, हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, सब लोगों सर बहुत बेसब्री थी कि सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आएगा। जब हम डेली क्लास लेते थे, आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, तो डेली पूछते थे सर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। तो फाइनली दोस्तों, वेट ओवर हो चुका है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी ये साइट पर क्या कर रहे हैं, काम चल रहा है, इसलिए साइट अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो कल से स्टार्ट है। सर, इसमें आप बताइए कि जो कब कब से स्टार्ट है और हमारा कब तक जाएगा सर ये? देखिए, कुछ बातों को मैं बता दूं आपको कि स्टार्ट तो कल से ही है, 5 मई से, और जो लास्ट डेट है हमारा क्लोजिंग जो होगा वो 4/6/2018 को होगा, मतलब 4 जून 2018 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और जो टीयर वन का एग्जाम है मेरे बच्चे, वो होगा 25 तारीख से लेके 25 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक, 25 जुलाई से 20 अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है टीयर वन का। टीयर टू का जो एग्जाम है वो 27/11/2018, मतलब 27/11/2018 से लेके आपका एग्जाम 30/11/2018 तक होगा, मतलब 27 नवंबर 2018 से लेके 30 नवंबर 2018 तक आपका एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा, और टीयर फोर जो है स्किल टेस्ट जिनका भी होगा उसका भी नोटिफिकेशन बाद में दिया जाएगा। यहां तक आपका ये हो गया, ठीक है? आगे नमन सर बताएंगे, चीजों को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हो कि इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट्स होती हैं, जैसे हमारी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गई, और हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई ऑफिसर हो गया। तो उसके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी पोस्ट हैं और उन पोस्ट के लिए हमारा एलिजिबल है या नहीं है, और हमारी एज लिमिट क्या होगी। सर, फर्स्ट लगाइएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट आपके सामने आ गया होगा, फर्स्ट आ रहा है हमारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ए है, ए ग्रुप है। इस बार इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है, ए बी सी डी। जो हमारा ए ग्रुप में है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। मैं देख पा रहा हूँ इसकी जो लिमिट है वो क्या है, वो 30 साल तक है, ठीक है भैया? वो उसकी जो लिमिट है वो 30 साल तक है, और जो मेरा ग्रेड पे है वो 4800 से है। सर, नेक्स्ट स्लाइड शो करिएगा, बी वाली। सर, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई है, उसमें है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बी, ए और सी। इसमें जो ये आते हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल सेक्रेटरीट में आते हैं। इसका भी पे स्केल हमारा 4600 और 4600 है। इसमें जो हमारी एज मांगी है वो 30 साल तक मांगी है। सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट डिस्प्ले हो गई सर। अच्छा, जो इसमें और आती है वो हमारी आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है सर, जो इसमें डी जी ए वाली स्लाइड है। हाँ सर, ये स्लाइड डिस्प्ले कर दिएगा। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले हो गई है, उसमें क्या है दोस्त, ये हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके लिए एज हमारी 30 साल है। हम देखेंगे जिसमें हमारा चार ग्रुप है, ए बी सी डी। ए बी सी में जो जो पोस्टें आ रही हैं उनकी ज़्यादातर जो एज लिमिट है वो 30 साल है। अब मैं देख रहा हूँ मिनिस्टर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो आ रहा है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीडीटी के अंदर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, जो लास्ट टाइम था वो सीबीआई का जो था वो ग्रेड पे कम था, और इस बार जो सीबीआई का ग्रेड पे है वो 4600 कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स? तो काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। बहुत लोगों का सपना होता है कि सर इनकम टैक्स में जाना है, सेंट्रल एक्साइज में जाना है, प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है। तो ये हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर भी है इसमें। सर, नेक्स्ट स्लाइड शो करेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ गई है, उसमें क्या है मेरा, इसमें आ रहा है मेरा प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर। तो मैं देख रहा हूँ इन सब की जो एज है वो ऑलमोस्ट 30 साल तक है। तो मतलब जो लोग सोचते हैं कि नहीं 27 साल तक है, लास्ट ईयर ही चेंजेस हो गए हैं, जो ऑफिसर ऑफिसर की पोस्ट हैं उसमें एसएससी ने 30 साल तक उनको कर दिया गया है। सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, पीक्यूआरएस। चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी जो ऑफिसर डिविजनल ऑफिसर हैं, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एनआईए के जो अंडर आता है, सब में जो मेरी एज है 30 साल है, बट मेरा सीबीआई का जो इंस्पेक्टर है उसमें सिर्फ मेरी एज 18 से 27 साल है। तो अब देखते हैं, जो मेरा ये था मेरी ग्रुप बी की, अब देखते हैं ग्रुप सी की। सर, ग्रुप सी की एक बार डिस्प्ले करेगा।
ग्रुप सी का है दोस्तों JSO, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। SSC में सिर्फ यही पोस्ट ऐसी है जिसमें 32 साल तक मैं पेपर दे सकता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो ये जो पोस्टें थी ये सारी थी ग्रेड ए की, मतलब इसमें जो सही हम सारे ऑफिसर बनते थे। अब जो नेक्स्ट है, हम ये हमने ABC की बात करी, इसके बाद दोस्तों अभी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात भी करूँगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर 12th में BSc थर्ड ईयर है, उस पर भी आएंगे। आगे देखते हैं हम ग्रुप डी पे, सर ग्रुप डी पे लेके आइएगा। सर ऑडिटर TUVW वाला, चले दोस्तों ये TUV ये पोस्ट के कोड होते हैं। पहले क्या होता था, एक्चुअली जो पोस्ट के कोड हैं उसके हिसाब से प्रेफरेंस बननी पड़ती थी, लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने प्रेफरेंस इतनी कर दी है, सिर्फ ABC और D की प्रेफरेंस कर दी है, ठीक है। तो देखो जो D में जो तितनी है उसमें जो एज है वो 27 साल तक है, 18 से 27 साल तक मैं इसमें भर सकता हूँ, ये 30 वाले बंदे नहीं भर सकते। अभी मैं बताऊँगा कि हाँ आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक एलिजिबल हैं। इसमें जो पोस्ट आती हैं वो ऑफिसर्स, मतलब सारी ऑडिटर की पोस्ट हैं, CAG के अंदर, CGD के अंदर, मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, CBDT, CEBC। सर नेक्स्ट लगाइएगा। हाँ सर ये सब इंस्पेक्टर ऑफ CBI और मेरा अपर डिवीजन क्लर्क, ये जो सारी पोस्ट हैं वो डी में आती हैं और इनकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल तक ली गई है, ठीक है दोस्त। अब आते हैं कि जो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम हमारी डेट ऑफ बर्थ ये हो गई है तो हम भर सकते नहीं भर सकते। सर नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। अच्छा देखिए 20 से 27 साल तक की जो पोस्ट हैं उनके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं ये देखिएगा। जो लोग 2-8-91 से 1-8-98 के बीच में बॉर्न हैं वो लोग 20 से 27 साल की पोस्ट भर सकते हैं। 18 से 27 साल के लिए 2-8-91 से 8-8-2000 के बीच में जो लोग हैं वो भर सकते हैं। 30 साल तक के लिए 2-8-98 से 1-8-98 तक लोग भर सकते हैं और 32 साल के लिए 2-8-86 से 1-8-2000 तक के लोग भर सकते हैं। और SC ST में दोस्त 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, अगर आप क्लासेस से हैं SC ST तो आपके लिए 5 साल तक रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्त। क्वालिफिकेशन पे भी आऊँगा मैं अब इसके बाद, सॉरी नेक्स्ट क्वालिफिकेशन पे आते हैं। सर लगाइएगा स्लाइड क्वालिफिकेशन की। सर लग गई सर दोस्त। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, आपको याद होगा तो मैंने पहली पोस्ट बताई थी आपको जो थी ग्रुप ए में, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसमें बैचलर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इसमें मेरा जो प्रीफ्रेंस रहता है वो कॉमर्स वालों को ज़्यादा रहता है, ठीक है। जैसा आप पढ़ पा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स एंड मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, तो इसका एक अलग से पेपर होता है, वो भी हम बताएंगे अभी। अच्छा सेकेंड है JSO, JSO के लिए जो है वो बैचलर डिग्री चाहिए, जो मैंने ग्रुप सी में पोस्ट बताई। देखो ग्रुप बी और ग्रुप डी के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए बैचलर डिग्री, ग्रुप ए के लिए चाहिए मुझे मास्टर्स इन कॉमर्स चाहिए, या मैं सी हो सकता हूं, CS हो सकता हूं, और ग्रुप सी जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर था उसमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, बट उसमें क्या होनी चाहिए, 12th में मैथ्स होनी चाहिए और 60% होने ही चाहिए मैथ्स में। सर नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले करेगा JSO वाली। चलिए दोस्त अभी जैसे मैंने बताया JSO में बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, और आपके मैथ्स में 12th में एटलीस्ट 60% होने ही चाहिए, तो आप मेरा ग्रुप डी यानी ग्रुप सी JSO वाला फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है भाई। और जो पोस्ट बची यानी बी की और डी की, उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो मस्ट है, ठीक है भाई। और जो क्वालिफिकेशन है वो ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2018 तक है। जो लोग कह रहे हैं कि सर मेरा अभी फाइनल ईयर है, तो अगर उनका 2018 तक 1 अगस्त 2018 तक रिजल्ट आ जाता है, उनके पास मार्कशीट आ जाती है, तो वो लोग भर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई। सर नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। चलिए इसकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। जो इसकी फीस है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, और ये मेरा ऑनलाइन चलान हो जाएगा, और मैं इसे ऑनलाइन SBI चलान के थ्रू कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग कर सकता हूँ, मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकता हूँ। अच्छा जो हमने बताया था कि जो पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो कब से होगी, 5-5-2018 से 4-6-2018 के बीच में हो जाएगी, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सर एक बार पेपर का पैटर्न और देख लेते हैं। सर एक मिनट हटा दीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए स्क्रीन।
इतनी रात में आने के बावजूद कोई फायदा नहीं है, बच्चे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। देखो अब आप आते हैं, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर चुपचाप आप क्यों खड़े हो, क्योंकि सर बोल रहे थे तो हम कैसे बोलते, दो आदमी एक साथ नहीं बोल सकता ना, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब चीजों को समझिए, हम रिकैप करवा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो फॉर्म भराने का डेट है वो कल से शुरू है और 4/6/2018 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। पहली बात, डेट ऑफ टीयर वन एग्जामिनेशन 25/7/2018 से लेके 20/8/2018 तक है। टीयर टू का एग्जामिनेशन 27/11/2018 से लेके 30/11/2018 तक है। टीयर थ्री बाद में नोटिफाई होगा, स्किल टेस्ट बाद में नोटिफाई होगा। जो ग्रुप बी का जो पे स्केल है वो 5400, 4800, 4600 और 4200 है, मतलब 9300 से लेके 34800 के बीच पे स्केल होगा। और जो आपका ग्रुप सी का बेसिक है वो 2800, 2400, 2900, 1800 और उनका पे स्केल जो है वो 5200 से लेके 20200 तक के बीच है। एज लिमिट अगर बात करें तो 20 से 27 साल वाला जो पोस्ट है उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो याद रखिएगा, 20 से 27 वाले पोस्ट का 2/8/1991 से लेके आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/1998 के बीच होना चाहिए, ओके। उसके बाद अगर हम कोई ऐसा पोस्ट भर रहे हैं जो 18 से 27 साल वाला है तो उसमें आपको 2/8/1991 से लेके 1/8/2000 तक, 2/8/1991 से 1/8/2000 तक के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर कोई ऐसा पोस्ट है जो 20 से 30 साल वाला है तो उसके लिए आपको 2/8/1988, ये बड़ा अच्छा है, 2/8/1988 से 1/8/1998 के बीच होना चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट 32 साल तक के लिए है वो पोस्ट डेट जो है 2/8/1986 से लेके 1/8/2000 तक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी एसएससी डिस्क्लोज नहीं करता है, जब आप नौकरी में चले जाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी थी, ये बात आप जान लीजिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है जिसके लिए एक वीडियो मुझे लगता है लाना पड़ेगा और ये वीडियो अपलोड होने के बाद आप बताइएगा। और जो लोग हमारे परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें। और आपको ये भी बता दें कि हमारे वाईफाई स्टडी चैनल पर इस संडे को सुबह 11 बजे आपके लिए एक टेस्ट सीरीज धमाका है जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग संडे 11 बजे भी लाइव होइएगा। चलिए खैर, आगे अगर हम देखें, डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक के एज के हिसाब से देखा जाएगा, वो अगर अलग अलग है कि आधार में अलग इधर उधर अलग तो वो दिक्कत में पड़ेंगे, उसको सुधार लीजिएगा। एससी एसटी के लिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका 5 साल का रिलैक्सेशन, और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन, जो सर्विसमैन है एक्स सर्विसमैन है उनका जो भी मतलब डेट ऑफ बर्थ है उसका जो डिडक्शन होगा लास्ट से, क्या होगा लास्ट से, मतलब जब वो रिटायर किए हैं उसके बाद से, क्लियर है ये। और सारा एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये ध्यान में रखिए, बस टीयर थ्री को, टीयर थ्री पेन पेपर से होगा। अच्छा देखो, एक्चुअली क्या होता है दोस्त, नंबर ऑफ वैकेंसी जब होती है ना वो 1-1.5 महीने पहले ही पता चलती है जब फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जो लोग मैराथन क्लास के लिए कह रहे हैं, मैराथन क्लास हमारी 11:30 बजे, विवेक सर हमारे साथ हैं, ठीक है, मैराथन क्लास 11:30 बजे विवेक सर आपके लेके आएंगे, नोटिफिकेशन आ गया था इसलिए उनकी क्लास हमें डिले करना पड़ा, ठीक है। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं सर उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्त क्या हो रहा है, अभी आपने साइट देखा होगा तो साइट अभी ओपन नहीं हो रही है क्योंकि उसमें अपलोड हो रहा है, कुछ काम चल रहा होगा इसलिए अपलोड नहीं हो रही है, ठीक है। कल आपको प्रॉपर चीजें पता चल जाएंगी नोटिफिकेशन का, ये हाँ। आप विश्वास कर लीजिए ये ट्रू है, और आप अपनी तैयारी को जी जान लगा के ज्यादा से ज्यादा शुरू करिए, ठीक है। और दोस्त जैसा आपको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही है, तो हमारी क्लासेस सीजीएल की सर एक बार आप लिख दीजिए, 4 बजे जो हमारी क्लासेस चल रही है वो मैथ्स की चलती है, सुबह 8 बजे पहले चलती है भुनेश सर की क्लास, ठीक है, फिर करंट अफेयर्स जो कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है 8:30 बजे चलती है वो कैप, क्योंकि वो कैप हमारा इंग्लिश में एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। फिर आते हैं हम 4 बजे हमारी क्लास होती है मैथ्स की, ठीक है, फिर 5 बजे होती है हमारी क्लास रीजनिंग की, 6 बजे होती है हमारी क्लास इंग्लिश की, और 7 बजे होती है हमारी क्लास जीएस की, ठीक है दोस्त। हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, हमारी कम से कम 15 दिन हो गए हैं हमारी क्लास चलते हुए, और आई होप आप लोगों से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। अगर मैं बात करूं पेपर की, सर एक बारी स्लाइड लगा दीजिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाली, हाँ यही दोस्त, अगर आप देख पा रहे हैं देखिएगा कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, सेकेंड कौन सा होता है जनरल अवेयरनेस, थर्ड कौन सा होता है मेरा
इसमें थर्ड होता है मैथ्स का और फोर्थ कौन सा होता है, फोर्थ होता है मेरा एप्टीट्यूड का। ठीक है भाई, ये कितने कितने मार्क्स के होते हैं, ये सब होते हैं मेरे पास 50-50 मार्क्स के होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन एसएससी ने पहले से कम कर दिए हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं आईटीआई वाले क्या हैं, वो कंफर्म कर। अच्छा सर आईटीआई वाले का मैं बता दूं दोस्त, क्या हुआ पहले जो आईटी है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है भाई, वो क्या था देखो अभी मैंने बताया चार चीजें थी ए बी सी और डी। पहले जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था उसकी जो पोस्ट थी वो इस सेक्शन में आती थी, अब उन्होंने ग्रुप सी को चेंज करके ग्रुप बी उसमें कर दिया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। ठीक है दोस्तों, अब आई थिंक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। दोस्त पहले मेंस तो तभी आएगा ना, तो पहले जब पहले प्री करेंगे तो पहले प्री की क्वालिफाई जरूरी करना होता है हमें, उसके बाद मेंस की बात हम करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे मेंस की बात हम। अच्छा दोस्त आप देख रहे होंगे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव इंग्लिश जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25-25 हैं और जो मार्क्स हैं वो 50-50 मार्क्स हैं। पहले 2016 से पहले क्या होता था, जो आता था वो 50-50 नंबर का आता था और 200 क्वेश्चंस होते थे और 200 नंबर के होते थे। अब क्या कर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए और मार्क्स वही हैं। अब मैं देख रहा हूं अगर पेपर टू, तो पेपर जो टू है मेरा उसमें क्या है सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन। अगर आप टेस्ट सीरीज हमारा खरीदना चाहते हो, बच्चों का कमेंट आ अच्छा, रहा है, बताइए सर। तो टेस्ट सीरीज के लिए कुछ नहीं सर, करना आपको, हमारे साइट पे जाइएगा, ठीक है, और हमारे साइट पे जाने के बाद हमारे साइट पे आप जाना, वहां पे आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमारे कंपनी का नंबर है 7023333675, आप इस पे बात कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स की डिटेल आप यहां बता देना, आपको चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा दोस्त, जो जैसे मैं कह रहा था जो पेपर मेरा टीयर टू होता है वो क्वांट और इंग्लिश का होता है 200-200 नंबर का, ठीक है। क्वांट में जो आते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं और जो इंग्लिश में आते हैं वो 200 मार्क्स आते हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद स्टैटिक्स का पेपर होता है, स्टैटिक्स का पेपर वो लोग भरेंगे जिन्होंने जेएसओ अपनी प्रेफरेंस डाली, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और इसके बाद एक पेपर और होगा जनरल स्टडीज का, उसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स कवर होगी, उनका पेपर वो लोग देते हैं जिन्हें अपनी ग्रुप ए में जाना, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में जाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जो होता है वो मेरा टीयर थ्री होता है, टीयर थ्री में क्या होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, वो 100 मार्क्स का होता है और वो 60 मिनट के लिए होता है, लेकिन उसमें पेन और पेपर मोड होता है, मतलब वो सीबीटी नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, वो पेन और पेपर मोड होता है। चलो मैं आता हूं अभितेश सर के साथ, सर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए बहुत सारे बच्चों का बहुत कमेंट है, देखो 10+2 वाले का इसमें कोई रोल नहीं, आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म, और आपका जो एज डिटेल है सारा कुछ आपके हाथ में पीडीएफ भी लग जाएगा कल, तो आप परेशान मत होइए। अभी हम बस इतना लेके आपके सामने आए हैं कि कितनी पोस्ट है, पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब से है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 होता है, और अगर न्यूनतम उम्र आपका 18 है और मैक्सिमम 32 है तो आप भर सकते हैं जनरल वाले। अगर कोई और भी मतलब चीजों में है तो वो अपना एज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तैयारी करने के लिए चार सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस फॉर टीयर 1, और टीयर 2 के लिए आपको इंग्लिश और मैथ्स को करना है। इंग्लिश आपका 200 प्रश्न आता है और मैथ्स जो है आपका 100 प्रश्न आता है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, क्लियर है ये। और आईआईटी जो है इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स होता है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसलिए आप परेशान मत हो, बिल्कुल समझ गए चीजों को, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, मुझे लगता है कि और कोई परेशानी आपको नहीं होगी। सर एक्चुअली क्या है दोस्त, आईटीआई मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोलते हैं हम। तो जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुप चेंज हो गया है, ग्रुप सी से वो ग्रुप बी में हो गया है, ठीक है भाई। और दूसरी चीज मैंने क्या बताई है आपकी, कि जो हमारा सी वो था क्या कहते हैं, एक तो वो बताया मैंने आपको कि आपका ग्रुप बी से ग्रुप सी हो गया है, और सेकंड जो था वो आपकी सीबीआई की जो एसआई था उसका ग्रेड पे चेंज हो गया, उसका पहले ग्रेड पे कम था 2017 के नोटिफिकेशन में, जो अब आया है उसका 4600 रुपीज़ ग्रेड पे हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे इंग्लिश और मैथ्स ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो 250-250 मार्क्स कवर करते हैं, प्री में तो 50-50 कवर करते हैं, और मेंस में मैथ्स और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्त अब ऐसा काम नहीं चलेगा नहीं कि सर हमने एक सब्जेक्ट अच्छा कर लिया, एक सब्जेक्ट हमारा कम है, अगर सिलेक्शन लेना है तो दोनों सब्जेक्ट अच्छे करने होंगे एनी हाउ।
तो दोस्त अगर एक चीज़ और मैं बात करूँ आपसे, 2016 में जो कट ऑफ गई थी प्री की वो 137.50 गई थी, और जो 2017 में जो कट ऑफ गई थी वो 131 गई थी, और फिर जो नॉर्मलाइजेशन का केस हुआ था, बहुत बहुत बच्चों ने हल्ला करा था, उसके बाद जो कट ऑफ हो गई थी वो कम हो गई थी, वो 126 हो गई थी। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्त पेपर में मतलब आधा आधा नंबर बहुत मैटर करता है। एक बात आप समझ लो कि अगर आप 126 लाते हो तो आप कहीं नहीं हो। कम से कम ऐसे 50,000 बच्चे रहते हैं जिनका जो मार्क्स है वो 1,150 प्लस रहता है, 150 प्लस वाले ही आगे बढ़ेंगे। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि सिर्फ कटअप से कुछ नहीं होने वाला है, और 150 ला सकते हैं आप। रीजनिंग में 50 में 50 लाइए, जीएस में 50 में 40 लाइए, 90 नंबर यहीं से हो गया, बाकी कम से कम 60 नंबर इंग्लिश और मैथ्स में लाइए, तो आप इजीली कर सकते हो चीजों को। दोस्तों फीस इसकी 100 रुपीज है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर फीस क्या है इसकी, तो फीस 100 रुपीज है, और जो वुमेन है एससी एसटी हैं आप उनके लिए फ्री है, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा। जनरल में जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज हैं उनके लिए फीस 100 रुपीज है। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करते हैं रिटर्न तुरंत आएगा, तो परेशान मत होइए, ये सब चीजों को मत सोचो। एसएससी इतना सस्ता तो कोई हो ही नहीं सकता है। बैंक वाले को पता होगा कि 600-700-800 रुपया कैसे लग जाता है। एसएससी में तो मात्र आपको 100 रुपया लगता है, लड़कियों को 1 रुपया नहीं लगता। तो चीजें इस प्रकार मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी आपके बीच। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा फिर से कि आप लोग संडे को सुबह 11 बजे जरूर आइएगा, लाइव होगा, टेस्ट सीरीज धमाका आपके सामने आने वाला है। और जो लोग हमारे परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं, ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलते रहे। और क्लास का शेड्यूल एक बार फिर से बता दूं, एसएससी सीजीएल और सीपीओ दोनों की क्लास चल रही है। सुबह 8 बजे करंट अफेयर, 8:30 बजे वोकैब, 4 बजे शाम में मैथ्स, 5 बजे शाम में रीजनिंग, 6 बजे शाम में इंग्लिश और 7 बजे शाम में जीएस। और इससे अच्छा शेड्यूल कुछ हो ही नहीं सकता है। घर बैठे आपको हर सुविधाएं मिल रही हैं। बाकी अगर आपको कोई परेशानी हो रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज एनी थिंग, तो आप जो है ये दिया गया नंबर जो है 7023333675, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप इस पर बात कर सकते हैं। और आपको कोई जानकारी में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है अकॉर्डिंग टू एनीथिंग, तो आप इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कमेंट करिए, आपको प्रॉपर रिप्लाई जाएगा। आपके हर दिक्कत का जो समाधान है वो हमारी टीम वाईफाई स्टडी की टीम दिन रात लगी हुई है वो करेगी। क्लियर है मेरे बच्चे? कोई परेशानी इसमें है तो बताइए, कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। और मेरिट जो है प्रिपेयर होता है ओवरऑल पे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सारे मिला के, ठीक है। लेकिन आपको हर एक टीयर में सेपरेटली पार करना पड़ता है, चीजें समझ रहे हो आप, हर एक टीयर में सेपरेटली पार करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ उपाय है, ऐसे कोई उपाय आपका नहीं है। अच्छा सर, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर का सिलेबस बताइएगा। तो सर एक बार डिस्प्ले कर दीजिएगा सिलेबस, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको दोस्त। जो देखो इसका सिलेबस है वो क्या है, एक मिनट दीजिएगा, बस आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा ये। तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी हो, फिर इसमें क्या होनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज, मतलब इन शॉर्ट क्या है, आपका कॉमर्स से कुछ ना कुछ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें आप फॉर्म भरोगे, प्रीफ्रेंस उनको दी जाएगी, क्योंकि इसमें जो पेपर होगा इसमें एक पेपर फाइनेंस का भी होगा। और दूसरी चीज़ सर जीएसओ वाला एक बार लगा दीजिएगा। और ग्रुप सी के लिए मैंने 4 बताए थे, ग्रुप ए बी सी डी, ए तो हो गया असिस्टेंट ऑफिसर, और जो बी में आता है बी में सारी इनकम टैक्स की पोस्ट आती है, सी में जो आता है वो जेएसओ आता है यानी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। इसमें ये मात्र एक ऐसी पोस्ट है एसएससी में जिसकी एज 32, इसमें 12th में मैथ्स में एटलीस्ट 60% होना कंपलसरी है। और उसके बाद आ जाती है मेरी डी, और डी में जो आती है वो सारी मेरी अकाउंट्स की पोस्ट आती है, उनकी जो एज है वो 27 साल है। अच्छा दोस्त सर हटा दीजिएगा। अच्छा दोस्त और कोई दिक्कत किसी को सर? तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। दिमाग आपका एकदम शांत करके स्थिर करके पढ़ाई कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक अभी तक बहुत कम आया सर, बताओ हम लोग इतना रात में चिल्ला रहे हैं और बच्चे जो है लाइक नहीं कर रहे हैं। यार ये तो गलत बात है, मतलब सारी मेहनत बेकार करवाओगे क्या दोस्त? अगर पसंद आया तो लाइक कर दो यार, ऑब्वियसली हम लोग नोटिफिकेशन आपके लेके आए हैं। और दूसरी चीज, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, तो हमारी ऑलरेडी क्लास चल रही है 8 बजे करंट अफेयर, 8:30 बजे वोकैब, 4 बजे मैथ्स, 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे इंग्लिश, 7 बजे जीएस। तो दोस्तों ये जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप लोग
जरूर से जरूर अपना स्पीड टेस्ट जरूर लगाया करिए, वो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा चांसेस करवा देता है सिलेक्शन होने के, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम लोग आपके साथ होते हैं, सैटरडे संडे आप लोग करोगे क्या? तो सैटरडे संडे टेस्ट सीरीज लगाओ, और टेस्ट सीरीज कहां मिलेगा? तो यहां ये नंबर देख रहे हो, यहां पे wifistudy.com पे। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने सारा कुछ ऑल ओवर पूरा क्लियर कर ही दिया सर, बाकी आप देख लीजिए। और जो लोग वो पूछे ना प्रीफ्रेंस, तो देखो दोस्त अब प्रीफ्रेंसेस ए बी सी डी देनी है। ए में क्या है, ए में अगर आपके पास एमबीए, अगर आप चाह रहे हो उतनी मेहनत आप कर सकते हो, टीयर वन टीयर टू फिर टीयर थ्री आपको जो देना होगा, उसमें जो टीयर टू होगा वो मैथ्स और इंग्लिश तो होगा ही होगा, उसके बाद आपको फाइनेंस का पेपर होगा। आपको लगता है कि हाँ टीयर वन मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मैं कर लूंगा, तो आप ए से भर सकते हो वरना बी से भर सकते हो। बाकी हम लोग आपको बताते रहेंगे क्लासेस में, आपको बताते रहेंगे प्रीफ्रेंस कैसे करनी है। कल से शुरू हो रहा है, मेन बात क्या है, टीयर वन 25/7/18 से 20/8/18 के बीच में, और टीयर टू 27/11 से 30 नवंबर के बीच में। तो दोस्तों अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई टाइम है, मतलब तैयार हो जाओ बिल्कुल। हाँ इस बार करना है तो करना ही है, जैसा कि मैं कहता हूँ मान लो तो हारे और ठान लो तो जीत है। तो इस बार ठान के बैठना है कि मैं कर लूंगा एसएससी सीजीएल में क्वालिफाई कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई बेटा देखो पेपर कुछ भी हो रहा है, एसएससी उसके ऊपर काम तो कर रही है, इतना प्रोटेस्ट हुआ कई लोग पकड़े गए आपको, आप ही देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ 5000 सीटें हैं, मैं कह रहा हूँ चलो 3000 लोग बिके हुए हैं, तो सर 2000 ने तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जेन्युइन सिलेक्शन लिया होगा। देखिए इन सब बातों को तो आप इग्नोर कर लो, पहले आप फ्रेश माइंड एकदम दिमाग को एकदम बढ़िया से धो लो और अपना तैयारी शुरू करो, ठीक है। क्या होगा बात की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। आप अगर अपने आप में सक्षम है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। हमारे यहां बहुत सारे बच्चे ऐसे कंटेंट में हैं जो आते हैं और वो मैथ्स में रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा के लाए हैं, कुछ कुछ तो बच्चा टीयर टू में भी मैथ्स में बहुत नंबर लाया इंग्लिश में। तो कहने का मतलब है कि उनका सियोरिटी है, कुछ बच्चों का सीबीआई में सिलेक्शन हो चुका है फिर भी हमारे यहां आ रहे हैं क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि सब लोग हो रहा है, जेन्युइनली भी लोग पार कर रहे हैं, जेन्युइनली भी लोग नौकरी ले रहे हैं। तो परेशान आप नहीं होइए बिल्कुल भी, आप अपने बिंदास रहिए, आपकी क्लासेस लगातार चलेंगी, आपके एग्जामिनेशन को हम लोग क्रैक करवाएंगे, आप परेशान ना होए, बस हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करेंगे हमारी भी एनर्जी बढ़ेगी और हम भी आपके साथ ज्यादा ज्यादा चलेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट करिएगा, आपको प्रॉपर रिप्लाई जाएगा। और दोस्त हमें एक ही सीट चाहिए, तो एक ही सीट के लिए बस लग जाओ, जुड़ जाओ, मेहनत कर लो, इस बार एसएससी बार अच्छे से तैयारी करो, चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी चारों फैकल्टी, बाकी विवेक सर हमारे, सारी फैकल्टी आप लोगों के साथ है, आप लोगों के टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहेगी, ठीक है दोस्त। तो फिर आज के लिए इतना ही रखें, और कोई भी दिक्कत है ठीक है आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बाद हम लोग पर्सनली खुद रिप्लाई करेंगे उसका, ठीक है। टेस्ट टीयर 4 में होता है, स्किल टेस्ट जब पहुंचेंगे तब तक आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, मत होइए। तो चलो दोस्त फिर चलते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से, बेस्ट बढ़िया से पढ़िए, खूब तैयारी कीजिए, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, मिलते हैं क्लासेस में, और मुझे होप है कि आप नौकरी ले लेंगे।